द हिटमैन बुक, इस बुक के बारे में आपने सुना है? आज हम बात करेंगे उस प्लेयर के बारे में जिसने ODI में 3 डबल सेंचुरी लगाई है और 1 वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी लगाने वाले पहले प्लेयर बने। तो आज हम बात करेंगे रोहित गुरुनाथ शर्मा के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रोहित आज के टाइम पर इंडिया क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, पर क्या उनके लिए ये सब इतना इजी था? रोहित के पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें उनके पेरेंट्स ने उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया था। उनकी पूरी फैमिली को क्रिकेट खेलना और देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो जाहिर सी बात है कि रोहित का भी क्रिकेट में इंटरेस्ट बचपन से ही होगा। 1999 में उन्होंने क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन की, जहाँ उन्हें मिले उनके कोच दिनेश लाड, जिन्होंने रोहित को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया और उनकी जिंदगी में बहुत गाइड किया। वो टीम में ऑफ स्पिनर की भूमिका निभाते थे और कभी कभी बैटिंग किया करते थे। उनकी बैटिंग की स्किल्स देखकर उनके कोच ने उन्हें बैटिंग पर ध्यान देने को कहा और उन्हें ओपनिंग करने को कहा। उसके बाद रोहित अपने स्कूल टीम में बतौर ओपनर बैट्समैन खेलते थे। रोहित की मैच प्रैक्टिस होती थी आजाद मैदान और ओवल ग्राउंड में, जिसके लिए वो बोरेवली से चर्च गेट तक ट्रेवल करते थे लोकल ट्रेन में। रोहित शर्मा का लिस्ट डेब्यू साल 2005 की देवघर ट्रॉफी में सेंट्रल जोन के खिलाफ हुआ था। इसी देवघर ट्रॉफी में रविंद्र जडेजा और चेतेश्वर पुजारा का भी डेब्यू था। 2005 में ही देवधर ट्रॉफी के चलते नॉर्थ जोन के खिलाफ 123 बॉल में 142 रन बनाए थे। उसके बाद से रोहित सुर्खियों में आने लगे। देवधर ट्रॉफी में किए गए कमाल की वजह से रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इंडिया ए टूर में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे, लेकिन वहां उन्हें प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। रोहित शर्मा ने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी 2006 में न्यूजीलैंड के खिलाफ। यहां खेले गए मैच में रोहित ने 22 बॉल में 57 रन बनाए। इसके बाद इंडिया ये मैच 3 विकेट से जीता था। उसके बाद रणजी ट्रॉफी में उन्होंने गुजरात के अगेंस्ट मुंबई की तरफ से खेलते हुए 267 बॉल में 205 रन बनाए। अपने पहले ही डेब्यू मैच में डबल सेंचुरी लगाने की वजह से वो चर्चा में रहे और वो सीजन भी मुंबई टीम ने ही जीता। 2007 टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने अपना डेब्यू किया, जिसमें पहले मैच में ही उन्होंने 40 बॉल पर 50 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के लगाए। ये पारी उनकी टी20 करियर की पहली पारी थी। रोहित ने 2008 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीबी सीरीज के फाइनल में 87 बॉल पर 66 रन बनाए, जिसमें से 6 चौके लगाए। इसी सीरीज की खासियत थी कि ऑस्ट्रेलिया को ODI में हराना इम्पॉसिबल था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही, बट रोहित शर्मा ने 66 रन की पारी खेली और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया। साल 2010 में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को इंडिया में हराया और कुछ टाइम बाद साउथ अफ्रीका ने इंडिया को साउथ अफ्रीका में हराया। इस 5 मैच की ODI सीरीज में रोहित शर्मा से जैसी उम्मीद थी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए। उनका स्कोर था 11, 9, 23, 1 और 5। उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से वो 2011 वर्ल्ड कप का हिस्सा भी नहीं बन पाए। जून 2011 में रोहित को वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में खेलने का मौका मिला और उस टूर्नामेंट में रोहित ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया। थर्ड ODI में इंडिया के 6 विकेट 92 रन पर ही गिर गए थे, तब रोहित ने 86 रन की मैच विनिंग पारी खेली। 2012 रोहित के लिए बहुत ही बुरा टाइम रहा, वो किसी भी मैच में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे थे। उन्होंने पूरे साल में टोटल 168 रन ही बनाए थे। उस टाइम पर रोहित पर विश्वास दिखाया MS धोनी ने। उन्होंने 2013 ICC चैंपियन ट्रॉफी में उन्हें ओपनिंग करने को कहा शिखर धवन के साथ, और ये पेयर सक्सेसफुल रहा इंग्लैंड को उन्हीं के घर में हराने में। उसके अलावा रोहित ने अपना इंटरव्यू में बताया कि वो सचिन को अपना आइडल मानते हैं और वो खुशकिस्मत है कि ODI कैप और टेस्ट कैप सचिन से ही मिली। नवंबर 2013 में जब सचिन रिटायर हो रहे थे, तब रोहित को खेलने का मौका मिला और उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट डेब्यू किया और 177 रन बनाए और अपने पहले टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी लगाने वाले दूसरे प्लेयर बने। उसके बाद रोहित ने अपनी फॉर्म नहीं छोड़ी और एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते चले गए। बात है 2019 वर्ल्ड कप की, जिसमें इंडिया के सामने थी पाकिस्तान की टीम। उस टाइम रोहित ने 113 बॉल में 140 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के लगाए। रोहित को 2015 में अर्जुन अवार्ड और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा बात करें उनके रिकॉर्ड्स की, तो रोहित के नाम ODI क्रिकेट में सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 173 बॉल में 264 रन बनाए, जिसमें 33 चौके और 9 छक्के जड़े थे। दूसरा रिकॉर्ड है एक ही वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड, रोहित ने 2019 में किया था। उसके बाद आता है 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए टेस्ट मैच में उन्होंने 13 छक्के जड़े थे, जो कि सबसे ज्यादा है। वनडे में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर है रोहित। रोहित ने 3 डबल सेंचुरी लगाई है वनडे क्रिकेट में। ये तो कुछ नहीं है, रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो कभी खत्म ही नहीं होगा। उन्होंने इंडिया टीम के लिए 46 टेस्ट मैच खेले हैं और ODI में 241 और T20 में 148 मैच खेले हैं। फिलहाल IPL में रोहित MI टीम के कैप्टन हैं
और 2011 से वो MI के कैप्टन हैं। 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में अपनी टीम को जितवा चुके हैं। ये थी रोहित शर्मा के बारे में कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।